राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री योगी ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। संसद के बजट सत्र से पहले सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सरकार ने सभी दलों के सामने बजट सत्र का अपना एजेंडा रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का मसला बातचीत से दूर होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है। किसान आंदोलन के दम तोड़ने की चर्चाओं के बीच अब ये आंदोलन और बड़ा होने की ओर बढ़ता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि महापंचायत में चर्चा के बाद किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि बागपत पंचायत में किसानों पर जो राजनीति हो रही है उस पर हम आपस में चर्चा करने के बाद गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। सभी किसान भाई तैयार रहें। गाजीपुर सिंघो और टिकरी बॉर्डर पर आसपास के इलाकों में 31 जनवरी तक के लिए टेलीकॉम सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। 31 जनवरी तक इन इलाकों में इंटरनेट की सेवा नहीं मिल सकेगी। प्रशासन ने ये फैसला किसान के प्रदर्शन की स्थिति को सामान्य बनाए रखने और सुरक्षा के इतिहास से लिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जांच में पुलिस को बड़े सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने मौके पर एक लिफाफे को बरामद किया है जिसमें धमकी दी गई है। पुलिस को शक है कि ब्लास्ट के पीछे ईरानी नागरिक हो सकते हैं। पुलिस इस समय दिल्ली में बसे सभी ईरानी नागरिकों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके की जांच के लिए इजराइल अपनी एक टीम भेजने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि इसराइल की ओर से ये फैसला भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अपने इजरायली समकक्ष मीर बेन शब्बत से बातचीत करने के बाद की स्थिति और धमाके की चल रही जांच के बाद लिया गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आईईडी विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह नहीं आ रहे हैं, उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगली तारीखों के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की हालत अब स्थिर है और उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल के एक सीनियर अधिकारी ने ये जानकारी दी। गांगुली की एक दिन पहले फिर से एंजियोप्लास्टी हुई थी और उनके हृदय की धमनियों में रुकावट दूर करने के लिए 2 और स्टेंट डाले गए थे। यूपी के मुरादाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जहां एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर के बाद 10 लोगों की हादसे में मौत की खबर है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। वहीं इस दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बिहार के सहरसा में जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बॉलीवुड के दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई और यामाहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह और उनके सहयोगी को गोली मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। गोलीबारी की इस घटना में सहयोगी अली हसन की हालत गंभीर बताई जा रही है।